लेकिन नाटक के चरित्र में ऐसा है कि जो व्यवस्था चल रही है वो उस पर सवाल उठाए, चाहे वो प्रेम की व्यवस्था हो, चाहे वो विवाह की व्यवस्था हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे देश की हो, समाज की हो, शिक्षा की हो, या साइंस की, किसी भी चीज की हो, नाटक हमेशा उसको क्वेश्चन करता है। तो नाटक कभी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो ही नहीं सकता, जो सच्चा नाटक उसके चरित्र में है, क्योंकि वो क्या है नाटक, जैसे मतलब ईश्वर ने एक दुनिया बनाई है, ठीक है, ये दुनिया चल रही है जिसमें हम जी रहे हैं, तो नाटककार क्या करता है कि उसको लगता है कि ये दुनिया थोड़ी सी ठीक नहीं है, कुछ उसको चुभता है प्लेराइट को, नाटककार को, वो कहता है कि इसको और बेहतर होना चाहिए थोड़ा, तो वो बेहतर होगा तो वो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के बरक्स नाटक का एक अपनी दुनिया रचता है ना, और वो कहता है कि ये संसार ऐसा होना चाहिए, तो बदल जाता है ना। जैसे मोहन राकेश का आधे अधूरे आप देखें तो उसमें सावित्री जो सवाल उठाती है, या उससे पहले भी आप अंधा युग में देखें तो अंधा युग में जो गांधारी शाप देती है, और ये तमाम चीजें एक नाटक में। अच्छा, दूसरा, सिनेमा में जो इमेजेज हैं वो फिक्स हैं, उसको एक बार बन गया तो बन गया, आप बदल नहीं सकते, नाटक हर शो के बाद बदल जाता। तो नाटक में कभी फिजिकल कास्टिंग हो ही नहीं सकती, जो कि सिनेमा के लिए जरूरी मानी गई है। मैंने सिनेमा में जैसे सुभाष चंद्र बोस पर आप फिल्म बनाएंगे तो उसको सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखना चाहिए, जैसे वो बनाई थी ना इन्होंने श्याम बेनेगल ने, हाँ, और वो कौन था हीरो जो आपका मराठी सचिन खेड़े, तो ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस नहीं दिखता, लेकिन उसमें दिखता है उस तरह से। या गांधी के लिए रिचर्ड एटनबरा ने बेन किंग्सले को चुना और उसको गांधी का, नाटक में ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि नाटक हमेशा फिजिकल कास्टिंग से इवॉल्व जाता है। नाटक में आप 3 फुट का एक आदमी भी पुलिस का इंस्पेक्टर बन सकता है, लेकिन सिनेमा में नहीं बन सकता, उसको 5 फुट साइज, वो 6 इंच उस तरह से होना होता है। तो नाटक, इसका मतलब ये हुआ कि सिनेमा जो कला है उससे नाटक एक लिबर्टी देता है, आपको आजादी देता है। दूसरा, नाटक में कई कालखंड के चरित्र एक साथ स्टेज पर डायलॉग कर सकते हैं, जैसे संत तुकाराम और तुलसीदास और मान लीजिए कबीर, ये सब अलग अलग कालखंडों के लोग हैं, लेकिन वो नाटक में स्टेज पर एक साथ वो चरित्र आ सकते हैं। सिनेमा में लाना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है आमने सामने। जैसे असगर जी का नाटक है अभी जो महाबली लिख रहे हैं या लिख चुके, तुलसीदास और अकबर के रिश्तों पर, तो हो सकता है कि हिस्ट्री में तुलसीदास अकबर से कभी नहीं मिले लेकिन नाटक में मिलते हैं, उनका डायलॉग होता है।